क्लाउडिया, मेरी प्रिय बहन, मुझे आर्क्रिया में आए हुए एक हफ्ता बीत चुका है। मैं सुरक्षित हूँ और मेरा हौसला बरकरार है। मुझे आशियाना देने वाले लोग मुझे चेतावनी देते हैं कि मासियाफ तक का रास्ता लुटेरों और आतंकवादियों से घिरा हुआ है। इस बात से मैं क्या समझूं? इसका क्या अनुमान लगाऊं? जब मैं रोमाका से 10 महीने पहले निकला था, तब मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य था, हमारे पिता की शुरू की गई खोज को जारी रखना। मेरे जन्म के 1 साल पहले लिखे खत में उन्होंने एक पवित्र ग्रंथालय का जिक्र किया है जो मासियाफ किले के पत्थरों के भीतर छिपा है। मेरे वहां पहुंचने पर कौन स्वागत करेगा मेरा? खून के प्यासे टेम्पलरों का झुंड, जिसका मुझे सबसे ज्यादा डर है, या बस हवा की सरसराहट और वीरान सन्नाटा? मासियाफ अब 300 साल से असैसिंस का घर नहीं रहा है। क्या आज भी हम उसे वापस हासिल कर सकते हैं? क्या कोई वहां हमारा स्वागत करेगा? मैं इस लड़ाई से थक चुका हूं क्लाउडिया, बल से नहीं लेकिन मन से, क्योंकि हमारा संघर्ष सिर्फ एक ही दिशा और ज्यादा नजर आता है, तबाही की तरफ। आज मेरे पास जवाब से ज्यादा सवाल है, इसलिए ही मैंने इतना लंबा सफर तय किया है, स्पष्टता पाने के लिए और महान अल्तायर के द्वारा छोड़ा ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ताकि मैं इस लड़ाई में हमारा मकसद और उसमें मेरा कर्तव्य पहचान पाऊं। अगर मुझे कुछ हो जाता है क्लाउडिया, अगर मेरी खूबियां मुझे नाकाम कर दे या फिर मेरी महत्वाकांक्षा मुझे गुमराह कर दे, तो मेरी याद में प्रतिशोध या इंतकाम की खोज में मत निकलना, बल्कि सत्य की तलाश जारी रखने के लिए लड़ते रहना, ताकि सबका भला हो। मेरी कहानी कई हजारों में से एक है और ये दुनिया शौक नहीं मनाएगी अगर ये वक्त से पहले खत्म हो जाए।